जी आपका क्वेश्चन है करियर चॉइस के बारे में। देखें मैं तो ये कहूँगा करियर चॉइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पर्सन, क्योंकि जब एक बंदा स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ से आगे उसने डिसीजन करना है कि अपना फ्यूचर किस में देख रहा है, तो ये पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। इन दैट केस दे हैव टू डिसाइड दैट ओके अब आगे जो है वो प्रोग्रेस किस तरफ जाएगी, और जो भी बंदे का पैशन है वो अगर प्रोफेशन बन जाए तो पूरी ज़िंदगी वो उसको एंजॉय करेगा। और एक है कि आपका पैशन कुछ और था लेकिन आपको किसी और तरफ लगा दिया गया, दैट मीन्स आप पूरी ज़िंदगी डिससेटिस्फाई होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बनाए, बाकी आगे राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है वो डेफिनेटली उसमें बरकत डालेगी। बाकी जो करियर चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, जब भी आपने करियर चूज़ करना है जो चीज़ें आपने कंसिडर करनी है वो मेरे ख्याल में तो ये, नंबर वन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, कितना ग्लोबली एक्सेप्टेबल है कोर्स। नंबर टू उसको पढ़ने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद क्या कैपेसिटी और क्या कैपेबिलिटी आपकी पर्सनालिटी में डेवलप हो, ताकि कल को अगर आपने जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है तो बेसिकली वो क्वालिफिकेशन उसमें क्या रोल प्ले करेगी, देन उससे कितनी इनकम जनरेट होगी, कितनी सैलरी आप कर सकेंगे, या अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें कितनी जो है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसमें क्या आएगा, प्लस क्या वो आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी से मैच करता है, लाइक अगर वो मुश्किल कोर्स है तो क्या आप उसको टेकअप कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी है कि जितना इजी कोर्स होगा ऑफ कोर्स रिवॉर्ड भी जो है उतना कम होगा, जितना चैलेंजिंग कोर्स होगा डेफिनेटली रिवॉर्ड भी इसी हिसाब से होगा। तो करियर चॉइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, एंड माई रिकमेंडेशन इज़ कि जो बच्चे भी इस वक्त मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, इवन अगर ग्रेजुएशन में भी हैं, सिट बैक, थिंक ओवर इट, टेक द ऑल द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन उन लोगों से लें जिनके पास नॉलेज है, सुनी सुनाई बातों पर ना जाए, ठीक है, कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई कामयाब लोग हैं उनसे टाइम लेकर उनसे डिस्कस करें, करियर चूज करने से पहले मशवरा लें, और ऑन पेपर उन चीज़ों को जो मैंने जिक्र किया इनको टिक करें, और उसके बाद उस कोर्स पर लग जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर होगी।